अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू एन अदर प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो। आज जी मैं आप लोगों के लिए एक फेशियल का रिव्यू लेके आई हूँ जो कि FW ऑर्गेनिक का फेशियल है। ये फेशियल बहुत ज़्यादा फेमस फेशियल है और बहुत बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स ने इनको यूज़ किया है। निशू खान के रिकमेंडेशन पे ये वाला फेशियल जो है वो स्पेशली बाय किया था मेरी सिस्टर ने। इस फेशियल का उनकी स्किन पे क्या रिजल्ट रहा है और उसने कितना अर्सा इसको यूज़ किया, इसके क्या प्राइस है, सब कुछ इसी वीडियो में डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जी इसकी पैकेजिंग की तरफ आएँ तो इस किस्म की पैकेजिंग में FW ऑर्गेनिक का ये रेडिएंट ग्लो फेशियल किट आती है। अच्छा, इस फेशियल की एक खास बात यह है कि इस फेशियल के तमाम स्टेप और कैसे कैसे इनको यूज़ करना है, इनकी ये तमाम प्रिस्क्रिप्शन जो है इसके बॉक्स के ऊपर ही मैंशन है। स्टेप वन है अप्लाई करना स्मॉल अमाउंट में क्लिनजिंग मिल को स्किन के ऊपर और फिर जेंटली उसका मसाज करना है। स्टेप टू में टेक स्मॉल अमाउंट आपने लेना है एप्रिकॉट स्क्रब की, जेंटली सर्कुलर मोशन में आपने इसको 5 मिनट तक लगा रहने देना है और बाद में जो है वो आपने सर्कुलर मोशन में इसको रिमूव करना है। थर्ड स्टेप में मसाज क्रीम आ जाती है और उसको आपने हल्का सा मसाज करना है अपनी स्किन पे, अपने फेस पे, नेक पे आप अप्लाई करें और उसको हल्का सा मसाज करते चले जाएं। अच्छा जी, इस फेशियल का जो फार्मूला है वो UAE से है लेकिन मेड इन पाकिस्तान है। तमाम स्टेप इसके ऊपर मेंशन है और इसकी एक खास बात यह है कि इसके अंदर जो है वो इसके ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीच जो है वो इनकी मेंशन है, स्किन पॉलिश गिवन है। इनकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, इस किस्म के जो है वो बॉटल्स में इनकी पैकेजिंग है। साथ वाला जो है वो ब्लॉन्डर पाउडर है और दूसरा जो है वो इसकी स्किन पॉलिश है। 100% प्योर है, हर्बल प्रोडक्ट इसके अंदर मौजूद है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वो गर्ल्स जिनके सुपर डुपर सेंसिटिव स्किन होती है और बहुत ज़्यादा अगर ब्लीच करें तो बहुत ज़्यादा रैश हो जाते हैं, स्किन रेड होने लग जाती है, एक्ने का और पिम्पल्स का इशू आ जाता है, तो वो ये वाली जो है वो ब्लीच यूज़ कर सकती हैं क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है, हर्ब से बनी हुई है और सुपर डुपर सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है। अगर इसके रिजल्ट की मैं बात करती चली जाऊँ तो बिल्कुल अगर आप रिजल्ट पार्लर वाले फेशियल्स का और पार्लर वाली ब्लीच का अगर आप रिजल्ट ढूंढें तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। पार्लर वाली ब्लीच का ये रिजल्ट नहीं देगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुपर डुपर सेंसिटिव स्किन के लिए बनाया गया है। जो लड़कियाँ जो बिल्कुल भी ब्लीच नहीं करती, स्किन पॉलिश नहीं करती और वो चाहती हैं कि हमारी स्किन हल्की सी नीट हो जाए, हमारी स्किन पर कोई इशू भी ना आए, कोई किसी किस्म की रेडनेस, कोई रिएक्शन भी ना हो, तो वो ये वाली स्किन पॉलिश यूज़ कर सकती हैं बिकॉज इट्स नेचुरल, हर्ब से बनी हुई है, हाइड्रोक्विनोन प्लस है, हर्बल ऑयल्स हैं, ग्लिसरीन है और इसके अंदर जो है वो हर्ब्स और फ्रेग्रेंस फ्री है। ये अगर मैं ये बताऊं कि मेरी सिस्टर की स्किन पे जो है वो इसका क्या रिजल्ट रहा है, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने खुद ये फेशियल ट्राई नहीं किया। ऑलमोस्ट 6 मंथ से मेरी सिस्टर ने इसको परचेज किया था और वही इसको ट्राई करना चाहती थी, तो उसका जो भी एक्सपीरियंस रहा मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, पहले इनके स्टेप्स की बात मैं अगर करती चली जाऊँ तो स्टेप वन जो है वो रोज़ क्लिनजिंग मिल्क है। इसके अंदर अप्लाई स्मॉल अमाउंट आपने अपने फेस पे अप्लाई करनी है और उसके बाद मसाज करना है। 5 मिनट तक आपने इसको लगा रहने देना है। 75 ग्राम की ये पैकेजिंग है। 5 to 10 मिनट तक आप अपने फेस पर लगा रहने दें, उसके बाद जो है वो हल्के हाथों से मसाज करके आप इसको जो है ठंडे पानी से रिमूव कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी टेक्सचर की बात करते चल जाऊँ तो बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेक्सचर है क्लिनजिंग का और इस किस्म की इसकी पैकेजिंग है, यानी कि अगर आपको लगे कि पैकेजिंग में प्रोडक्ट लीक हो सकता है तो ऐसा नहीं है, बहुत ही सिक्योर इसकी पैकेजिंग है और ये बहुत इसका टेक्सचर भी बहुत क्रीमी सा अमेजिंग सा इसका टेक्सचर है। क्लिनजर के अंदर बहुत कोई भी हार्मफुल या स्क्रब पार्टिकल इस तरह के मौजूद नहीं है। सेकेंड स्टेप आपका एप्रिकॉट स्क्रब आ जाता है, उसकी आपने स्मॉल अमाउंट आपने लेनी है, जेंटली आपने अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है और 3 मिनट तक आपने अप्लाई करने के बाद इसको हल्का सा स्क्रब करके अपने फेस पर से उतार देना है। 75 ग्राम की पैकेजिंग है और अच्छी खासी इसकी क्वान्टिटी है और इसका भी टेक्स्चर मैं आप लोगों को डिटेल में बता देती हूँ लास्ट पे। अच्छा, जो इसके बाद आता है स्टेप 3, आपके पास विटामिन ई मसाज क्रीम आ जाती है, इसकी स्मॉल अमाउंट आपने अपने फेस पे अप्लाई करनी है, उसके बाद मसाज वाले स्टेप जो है वो आपने करने हैं। उसके बाद 4th स्टेप आ जाता है मिराकल क्ले मास्क, जो कि आपने थी लेयर अपने फेस पर अप्लाई करनी है और ड्राई होने तक, जब ड्राई हो जाए उसके बाद आपने इसको रिमूव कर देना है। 5th स्टेप आ जाता है एलोवेरा सूज जेल, जो कि आपको उसकी थिन लेयर अपने अपने फेस पे अप्लाई करनी है तमाम फेशियल करने के बाद, लास्ट पे आप ये लगा दें ताकि जो भी प्रॉब्लम है आपकी स्किन की वो जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। अच्छा जी, इन तमाम प्रोडक्ट का जो भी टेक्सचर है वो मैं आपको डिटेल में इसके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर आप डिटेल में इसकी देख लें। और स्क्रब पार्टिकल बिल्कुल इस तरह से हल्के हल्के इसके अंदर स्क्रब पार्टिकल मौजूद है। मसाज क्रीम बिल्कुल स्मूथ और जेल क्लिनजर टाइप की है और क्ले मास्क का तो बिल्कुल ही खाली हो चुका है, ये इसका कंटेन ही बिल्कुल खाली हो चुका है। और लास्ट पे जी सूथिंग एलोवेरा जेल है, ये बिल्कुल एलोवेरा टाइप की है और बहुत सूथ कर देती है आपकी स्किन पे, अगर हल्की सी भी रेडनेस अगर हुई है तो उसको जो है वो बैलेंस कर देगी। ये जी था फुल फेशियल। अगर आप पार्लर जैसा रिज़ल्ट इसका ढूंढ रही हैं तो बिल्कुल भी नहीं, पार्लर जैसा रिज़ल्ट इस फेशियल का नहीं है। आपकी स्किन को नीट ज़रूर कर सकता है मगर वो रिज़ल्ट नहीं देगा जैसा कि एक फेशियल का रिज़ल्ट होता है।
वो गर्ल्स जो फेशियल करते हुए डरती हैं अपनी स्किन पे कि हमारी स्किन पे कोई ना कोई रिएक्शन हो जाएगा या फिर रेडनेस हो जाएगी, एक्ने हो जाएगी, पिंपल हो जाएगी, उनके लिए ये फेशियल बेस्ट है क्योंकि ये नेचुरल हर्ब का बना हुआ है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। अगर वो ये फेशियल ट्राई करती हैं तो उनका स्किन अच्छी रहेगी और उनकी स्किन पर कोई रिएक्ट भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो गर्ल्स जिनकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है और वो बिल्कुल पार्लर जैसा फेशियल ढूंढ रही है और पार्लर जैसे ही रिजल्ट मांग रही हैं, तो उनके लिए ये वाला फेशियल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ आपकी स्किन को नीट करता है, रिज़ल्ट नहीं देता। वो रिज़ल्ट जैसा हमें पार्लर में जाके मिलता है कि पार्लर वाले फेशियल्स का रिज़ल्ट होगा, ये बिल्कुल वैसा रिज़ल्ट नहीं देता। ये जी था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस फेशियल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। और अगर कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी हर रिक्वेस्ट पूरी करूँगी और हर कमेंट का आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।